हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एग्जामपुर के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर नंबर सेट 9 होगा, ठीक है, 9वें नंबर का होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, डेली कोई ना कोई नोटिस यूट्यूब पर लेकर आ जा रहा है, तो आप उसको ध्यान भी दीजिए और ना भी दीजिए तो ये एक ही समान दिख रहा है, लेकिन हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, रोज़ कोई ना कोई नोटिस आए या रोज़ वीडियो देखें, उस पर टाइम वेस्ट ना करके आप पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। होगा जब एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप तैयारी तो करते रहिए ना, ठीक है। और यही भ्रम में रह जाएंगे, यूट्यूब पर तमाम प्रकार के नोटिस आपको दिखाया जा रहा है, आप भ्रमित रहेंगे आज होगा कल होगा, तो इसे नहीं करना, ठीक है। तो लेकिन आपको पढ़ाई ज़रूर करते रहना है, पढ़ाई करने से ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और यहाँ ये टेंशन मत लीजिए 50 वीडियो देख देख के, ठीक है, कि आज डेट आ रही कल आ रही, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तस्यम रूप है। यहाँ पे आपको बताना है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तस्यम रूप है, बताइए। करें कि संभल का, समालू का, सामले का या सामला, बताइए भी। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, सखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो कई बार परीक्षा में ये आया है, सखा मृग, ठीक है भाई। कह रहे कि हाथी का, शुतुरमुर्ग का, सिंह का या बंदर का, यहाँ आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या जो है बंदर का पर्यायवाची है, ठीक है। और देखते हैं, इसके कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे कपी कपी होता है, ठीक है, मरकट होता है, ठीक है, इसका पर्यायवाची, वानर होता है, कपीस होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कहें यांत्रिकी कहते हैं, युद्धपोत या युग पुरुष या याक्षुष कहते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युद्धपोत कहते हैं। आइए देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि किस विकल्प में शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। तो नहीं वाला हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, जरा जरा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए, जरा बुढ़ापा और थोड़ा, तो ये आपका सही है। अनल अनिल, ये देखिए इसमें आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है। और देखते हैं, नीर नीर, घोंसला पानी, ये सही है। गज गज, हाथी माप, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए, अनल अनिल जो है ये आपका अशुद्ध है, ठीक, अनल और अनिल जो है आपका सही विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए भाई, अनल माने होता है अग्नि, ठीक है, क्या होता है? अग्नि होता है, ठीक है, और अनिल माने जानते हैं वायु या पवन, ठीक, तो इसी को अपोजिट साइड रख दिया है, आगे पीछे कर दिया है, तो यही जो है बी नंबर आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया, ठीक, तो बी नंबर ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अनिल माने अग्नि हो जाएगा और अनिल माने वायु या पवन, ठीक है। अगला देखते हैं, करें कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताइए। तो यहाँ पे आपको पकड़ना है, खिड़की खुलने से आया, देखिए प्रकाश आएगा, तो कहने के कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, वाक्य रचना संबंधी। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि है। यहाँ पे से के स्थान पर पर आएगा, ठीक है, क्या आएगा? पर, तो खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसके नाम प्राय पुरलिंग होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, पुरलिंग प्राय होते हैं। करें समुद्रों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्रों के नाम जो हैं क्या होते हैं भाई? पुल्लिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, तो ये आपको हम कई बार बता चुके हैं भाई,
एक वचन में कौन सा होता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें कि हस्ताक्षर, दल, रोम, कूप या लोग। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दल जो है एक वचन में होता है। ठीक है, ठीक। देखिए हस्ताक्षर आपको हमने बताया है, ये जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, रोम, कूप, लोग हो गए, ठीक है, ये जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं एक वचन में जो सदैव प्रयोग होते हैं कौन से, जनता हो गया, सामान हो गया, सामग्री, और कौन भी, सोना, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं वे होती हैं एक वचन में। ठीक है, सत्य, वर्षा, माल, और कौन भी, पानी, आकाश। ठीक है, ये आपके हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग होते हैं, और होते हैं जैसे प्रत्येक, हरेक, सदा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, देखिए हस्ताक्षर जो है आपका बहुवचन में होता है, प्राण होता है, ठीक है, दर्शन, ये हमेशा, आंसू, और कौन होते हैं, होश, ठीक है, बाल, समाचार, तक ये शब्द आपको हेर फेर करके पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कहें कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन कारक है? ये आपको कारक से प्रश्न है। कहें कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन कारक है? चलिए भी कहें कि अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह आप जानते हैं, में, पे, पर। ठीक है, अधिकरण कारक क्या होता है, जिस संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगी। देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, जिसमें, जिस पर, किस पे, ठीक है, आदि शब्दों से भी किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है भीतर, ऊपर, बाहर, बीच शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, संप्रदान कारक का भाई कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक को के लिए होता है। ठीक है, को के लिए होता है, और संप्रदान कारक आप जानते हैं क्या होता है, कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है, उसे, जिसे कुछ देता है, वहां पे कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। और इस संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को के लिए होता है। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह जानते हैं आप, को होता है। ठीक है, कर्म कारक का भी क्या होता है, कर्म कारक। कर्म कारक का क्या होता है, हमने गलत बता दिया क्या भैया, कर्ता कारक तो चिन्ह नहीं होता है ना, हमने लग रहा को कह दिया। ठीक है, कर्म कारक का को होता है। ठीक है भैया, को होता है कर्म कारक का, तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है, कर्म का को होता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। करें कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बनाकर में आपको बताना है प्रत्यय है, प्रत्यय आप जानते ही है किसी मूल शब्द के क्या होता है, बाद में लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर। ठीक है, बना आपका मूल शब्द हो गया, प्लस कर जो है क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। कहें कि तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो आपको मूल शब्द भी याद रखना है और उसके प्रत्यय, क्योंकि आपको अलग अलग तोड़ के भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, यह आपसे पूछ लेता है इसमें, इस शब्द में कौन सा मूल शब्द है। ठीक है, देखिए तरा प्लस वट, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, तरावट। ठीक है, देखिए आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आराम
की कुर्सी, इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास अभी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास आप जानते हैं जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे रसोई घर में आपसे पूछ ले कौन समास है, तो रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है अभी, कर्मधारय समास इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है संज्ञा या विशेष होता है, वहां पर कर्मधारय समास क्या होता है। ठीक है, जैसे नीलगाय हो गया, पीताम्बर, मंदबुद्धि, परमात्मा, महासागर, शीतोष्ण, ये सब कर्मधारय के समास हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है अभी, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, ये आपके हो गए अव्ययी भाव समास के। ठीक है, तो आप समास की संख्या आप जानते ही इच्छा होते हैं। अगला देखते हैं, लच, लच का तद्भव रूप बताइए। तो ये तत्स्यम है, इसका तद्भव रूप बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कहेंगे लख होगा, लच, लच्छ या लाख। राइट आंसर हो जाएगा लच का तद्भव रूप लाख होता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए भाई, जैनेन्द्र में आपको संधि विच्छेद बताना है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए एक का मात्रा आया है, तो एक का मात्रा आता है तो उसमें कौन सी संधि होती है यह भी आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, जैन प्लस इंद्र। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो छोटा छोटी मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है ये आप जानते हैं, इसमें गुड़ स्वर संधि है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, गुण संधि में आप कैसे पकड़ेंगे, जब एक एक मात्रा हो और ओ का मात्रा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पकड़ना है कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में आपको डबल मात्रा, आय का मात्रा देखना और औ का मात्रा देखना है, वहाँ मिलेगी। जैसे आपको ध्यान देना, जैसे एकाएक हो गया, सदैव हो गया, इसमें आपको पूछे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, और दीर्घ में आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि में बड़ा ऊ का मात्रा आ जाए, बड़ा आ का मात्रा आ जाए। ठीक है, बड़ा आ का मात्रा आ जाए, बड़ी का आ जाए, री का मात्रा आ जाए, तो वहाँ पे आप दीर्घ स्वर संधि पकड़ लेंगे। ठीक है, यण संधि कैसे पकड़ेंगे भाई, यण संधि पकड़ने के लिए या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, जैसे प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छे। ठीक है, वा से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, जैसे व्यर्थ, बी प्लस अर्थ, शब्द में त्रा होना चाहिए, तो ये कुछ पहचान है। ठीक है, जैसे मात्राज्ञा। ठीक है, और नयन में पकड़ेंगे कैसे, तीन शब्द ज़्यादा रहता है, जैसे नयन, नायक, पावक, आयादि संधि में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा विवरण चिन्ह है, यहाँ पे आपको बताना है विवरण चिन्ह कौन सा इसमें हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो है आपका विवरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या कब को दर्शाता है, करें चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, दर्जन या ताजगी। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सी नंबर, दर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संख्यावाचक क्या होता है, जिस विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दर्जन, दर्जन में क्या होते हैं 12 संख्या को परिभाषित करता है। ठीक है, और देखिए संख्यावाचक विशेषण जानते हैं आप, दो प्रकार के होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं ये आप जानते हैं। मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
कहने की प्रणार्थक क्रिया, देखिए प्रणार्थक क्रिया आप जानते हैं, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है, ठीक है ठीक है। जैसे अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़वाई, तो ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है अभी। पूर्वकालिक क्रिया आप जानते हैं कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, तो ऐसा तो यहाँ नहीं दिख रहा है अभी। संयुक्त क्रिया नहीं दिख रहा है अभी, दो क्रियाएँ नहीं दिख रही है, ठीक है। जैसे राहुल गीता पढ़ने लगा, तो पढ़ने लगा ये संयुक्त क्रिया हो गई, तो ऐसा नहीं दिख रहा, तो एक ही बच रहा है अभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नामधातु क्रिया। देखिए भिन्न भिनाते, तो यहाँ पे क्रिया से बना हुआ है भिन्न भिनाते, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया हमने आपको बताया है जिन संज्ञा, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा से हो, ठीक है, संज्ञा से हो, सर्वनाम से हो, हाँ, और विशेषण से हो, शब्दों से बनने वाली क्रिया को नामधातु क्रिया कहते हैं। तो आप जानते हैं जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, ठीक है, झूठ से जुठलाना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? देखिए गीत गा रही है, राय रही है, तो वर्तमान में ये आ गया। आप कह रहे संदिग्ध वर्तमान, ऐसा नहीं है भाई, अपूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल, देखिए भूतकाल में तो है ही नहीं, सामान्य वर्तमान काल बताइए, सामान्य वर्तमान काल होता बताइए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। भाई अभी तो गीत, अभी लता जो है मंगेशकर चुका करेंगे, गीत गा रही हैं, अभी कब तक गाएंगे ये हमें नहीं पता है, तो ये क्या है, अपूर्ण है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कहने की मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? अब यहाँ पे आपको वाच्य बताना है, तो इनमें से कहने इनमें से कोई नहीं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो मजदूरों द्वारा क्या काटा गया, भाई किसकी प्रधानता दी जा रही, पेड़ की, तो पेड़ की जहाँ पेड़ हो तो वहाँ कर्मवाच्य होता, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ठीक है भाई। कहने ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुक जाना। करें कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, करे जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, अस्तीन का सांप होना ये भाई मुहावरा है, आंख चुराना मुहावरा है, कठपुतली होना मुहावरा है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये जो है लोकोक्ति है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, तो देखिए उस रस वैसे आपके नन मुख्यतः कितने हैं, नौ रस हैं, ठीक है, और जो है इसमें वात्सल रस और भक्ति रस, ठीक है, भक्ति रस मिलाकर ये कुल कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तो ऑप्शन आप 8 नंबर लगाएंगे, ठीक है, और जो कि शांति रस को जो है भरत मुनि जो है रस नहीं मानते, इसलिए वो उनके अनुसार 8 माने गए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि जिसका आपको जो 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 दो बार दिखे अभी, तो एक बार कर लीजिए इसको, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं कि कौन सा उदाहरण नहीं है, तो नहीं वाला हमको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपको, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में याद रखना है, यहाँ पे एक शो कर लीजिए सी नंबर पर, ठीक है, देखिए इसका जो सो जैसा जैसा वैसा, ठीक है, जिसकी उसकी जिसकी उसकी, ठीक है, जैसे वैसी, ठीक है, ये जो है क्या होते हैं भी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये निजवाचक में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे इसके
उदाहरण आपसे बनता है, जो करेगा सो भरेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। सर्वनाम जानते हैं आप, इसके छह भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। नील नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये देखिए, आपको अर्थ पर ध्यान न देकर कुछ है जो है आपको बताया गया है कि कैसे आप पहचान जाएंगे देखते मान, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। कहने के देखिए, नील गगन सा, हमने बताया सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या भाई, सा सी से सो सरिस सादृश समतुल्य, जैसा जैसी नई की तरह के जैसा के समान, तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, अंग होते हैं? चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। तो ये आपको वाचक शब्द याद रखना है सासी से, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल है, पीपर पात सरिसमन डोला, मखमल के झूले पड़े हाथी सी टीला, सी आया, तो ऐसे आपको पकड़ लेना है, ठीक है भाई। हर इस शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ये नहीं वाला आपके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करे दूध सिंह, देखिए सिंह होता है, सर्प होता है, सूर्य होता है, लेकिन दूध हरि का नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए हरि के और जो है अनेकार्थी शब्द आपसे पूछे जाते हैं, हाथी भी होता है इसका, ठीक है, विष्णु होता है, इंद्र, ठीक है, घोड़ा भी होता है, यमराज भी होता है, शिव होता है, ठीक, कृष्ण होता है, तो ये जो है आपको कुछ ध्यान रखना है इसके। करें कि दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, ये आपको यहां पर बताना है। करें कि बरवय समया कुंडलिया या हर गीत का, ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां सी सही हो जाएगा, कुंडलिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, कुंडलिया होता है, ठीक है। अगर रोला और उल्लाला मिला दिया जाए तो ये छप्पे बन जाता है, ठीक है, छप्पे बन जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रोला प्लस उल्लाला मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो छप्पे बन जाता है, ठीक है। देखिए हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है, बरवे में 12-7, ठीक है। ये कुंडलिया कैसा है, ये विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद आपसे पूछे जाते हैं, तो सम मात्रिक छंद में कौन आएगा, चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका, अर्धसम मात्रिक छंद में दोहा, सुराठा, बरवे और उल्लाला, ठीक है, विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया, छप्पे आएगा। अब देखिए 27-31 तक ये गद्यांश के ही प्रश्न है, ठीक है, तो अब हम आपको यहां से कराएंगे। देखिए ये बेहतर जो है इसी से है, तो इसको कर लेते हैं गद्यांश से ये। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्यादा अच्छा। सूर सागर कृति के किस कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूर सागर कृत के कवि आपसे पूछा जा रहा है, तो ये किसने लिखा भी? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सूरदास की रचना है। करें कि बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा में से हुआ है, ये आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास निम्न किस भाषा से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से। भीतर और बाहर या किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है?
सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए भीतर और बाहर आपका स्थानवाचक हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भाग कितने, चार भाग होते हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे बहुत पूछता है, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, तेज, निसंदेह, अवश्य, एकाएक, धड़ाधड़। ठीक है, तो ये जो है रीतिवाचक के आपको बीच में शब्द मिलेंगे तो आपको पहचानना। जैसे लता धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ पे आप इसमें पूछेगा कौन सी क्रिया विशेषण है तो आप बताएंगे रीतिवाचक। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत, खूब, सर्वथा, पर्याप्त, अत्यंत, थोड़ा, कुछ। ठीक है, कालवाचक आप जानते हैं, इससे समय का बोध होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप कहेंगे आज, कल, तुरंत, परसों, नरसों। ठीक है, कभी कभी, अभी अभी, बार बार, दिन भर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो मेघ का आपको पर्यायवाची बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नीरद, नीरद क्या है भी, मेघ शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सफरी आप जानते हैं मछली का है, सूर्यपुत्र किसको कहते हैं, ये कण का है। ठीक है, कण का पर्यायवाची है, कण का पर्यायवाची और है राधे होता है, कौन्तेय होता है, पार्थ होता है, अंगराज होता है, सूतपुत्र कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो मेघ का और कुछ पर्यायवाची है, जैसे भाई क्या होता है, जलधर भी बोलते हैं। ठीक है, जलधर, जलधर हो गया, और क्या हो गया, बलाहक बोलते हैं, अम्बुद बोलते हैं, वारिद, पायोद। ठीक है, ये होता है मेघ के पर्यायवाची। मेघ मतलब जानते हैं बादल। करें कि कुल, कूल, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। करें कि शीतल, किनारा, देखिए हो गया भाई, तट, शीतल, वंश, किनारा, किनारा या वंश। देखिए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंश और किनारा। ठीक है, कूल माने क्या होता है, वंश, कूल माने क्या होता है, किनारा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे भाई, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, और जिसे हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि, वात्स्यायन, बाणभट्ट या तुलसीदास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वाल्मीकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो एक सेट और आपका बचा ही है, 10 वहाँ और बचा है। ठीक है, उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।